नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएल न्यूज़। आपके साथ में हूं मैं शाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से। अयोध्या के अवानीगंज इलाके में गुरुद्वारे के सामने उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब बाइक से मामूली टक्कर होने के बाद दो युवतियों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दो युवतियां एक युवक को पिटाई कर रही है। पिटाई में युवक लगातार उनसे माफी मांगता रहा, लेकिन उसकी पिटाई करती रही। आरोप है कि युवतियों द्वारा आए दिन लोगों की पिटाई की जा रही है, जिससे इलाके के युवकों में दहशत फैली हुई है। आपको बता दें कि बुधवार को गुरुद्वारा अमानीगंज के पास बाइक की मामूली टक्कर के बाद युवतियों ने एक युवक की करीब 10 मिनट तक पिटाई कर दी। आपको बता दें कि बुधवार को गुरुद्वारा अमानीगंज के पास बाइक की मामूली टक्कर के बाद युवतियों ने एक युवक की करीब 10 मिनट तक पिटाई की। आसपास खड़े होकर देख रहे लोगों को भी इन युवतियों द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। बवाल बढ़ते देख लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। जब पुलिस वहां पहुंची तो वह भी इन युवतियों को रोकने का साहस नहीं कर सकी। दरअसल दिलचस्प बात यह रही कि मारपीट के बाद युवतियां अपनी बाइक से फरार हो गईं और पुलिस देखती रह गई। इस घटना को लेकर लोगों में गहरी नाराजगी है। क्षेत्र के निवासी युवा गुरमीत ने बताया है कि रोकने के बावजूद युवतियों ने युवक की जमकर पिटाई की। मोहल्ले के रहने वाले गुरमीत ने बताया है कि यदि युवक ने कोई गलती की थी तो उसकी शिकायत पुलिस में की जानी चाहिए थी, जबकि युवतियों ने बेवजह उसे जमकर मारा पीटा और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए। रघुनाथ शुक्ला ने बताया कि युवतियों द्वारा आए दिन बेवजह युवकों को पीटने की जानकारी सामने आ रही है, जो बहुत ही गलत है। पुलिस को उनको चिन्हित करके कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए थी। अगर किसी के साथ कोई घटना होती है तो उसे पुलिस में सूचना देनी चाहिए, ना कि बेवजह पिटाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि युवतियों ने आसपास खड़े लोगों को भी अभद्र भाषा का प्रयोग उनके साथ किया। उनका व्यवहार पूरी तरह असामाजिक है। अयोध्या पुलिस के मुताबिक इस मामले की जाँच की जा रही है, जल्द ही आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। अयोध्या से केपीपीएन संवाददाता मोहम्मद आलम की। बस वही उससे चाली आगे निकाल दिया लड़कियाँ दोनों। एक लड़की थी पहले, जब आप अपने फोन कर फिर आ गई, जो लड़की आई बस उठा के उनको जो है मारना शुरू कर दी। भाई जब चाली निकाली तो मार चुके मार थप्पड़ हो गया, बहुत मारा। माफी काफ़ी आदमी इकट्ठे से हो गए, लेकिन कोई बोला नहीं, देखते रहे खाली। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग मना भी कर रहे हैं, लेकिन लड़कियाँ उनको भी गाली देने लगी। हाँ, सब कुछ बोले, बस बोल तो कोठा बोला कि गलती नहीं की है लड़कियों की, तभी कोई नहीं, तुम्हारी लड़की नहीं है, तुम्हारी बहन नहीं है, यही कह के लोग गाली गाली बोल सकती रही। इतनी गाली दी गई, क्या इसे सब समाज क्या है? समाज में बहुत बुराई है। देखने में लड़का तो 20-22 साल तक रहा होगा, पर उसको बहुत मारे बजाय मोटरसाइकिल के भागा हुआ गाली। आपकी यहाँ दुकान है, आप लोगों ने देखा तो आप लोगों ने मना करने की कोशिश नहीं? मार के लड़का भगा, अपन जान बचा के भगा, वो बहुत क्या भगा लड़का, भगा ना होता तो शायद और मारते। क्या लगता है आपको, क्या इस तरीके की घटना? अरे बहुत गलत हरकत है। हाँ भाई, वो लड़की देखे खुद पहचान जाए कहाँ के हैं सब। क्या नाम है? कैमरा में सही है उसका, फुटवेयर में देखेंगे। मैंने कहा कि देखो बाहर को चल रहे हैं, हो रहा है। तो मैं जैसे आया उठ के तो मेरे पास मोबाइल भी था। यहाँ पर एक लेडी आके रुकी और उसको लड़का यहाँ पर खड़ा था, उसको आखिर गाड़ी के पास तो आके जब वो रुकी तो उसको बड़ी तेज मारने लगी। फिर उसने कहा क्या हुआ क्या हुआ, मैंने फिर जैसे देखा मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। इसके बाद में फिर जब वो मारने लगी तो फिर उसने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया और उसका एक भाई आया, जो कुछ भी हो भाई हो या कोई भी और, वो आया। आने के बाद में जो उसकी दूसरी बहन आई तो उन्होंने तीनों ने मिलकर उसको बहुत मारा। और जब उन्होंने बहुत मारा फिर काफ़ी लोगों ने देखा भी, तो दूसरे जो देख भी रहे थे उनको भी उन्होंने गाली गलौज किया और अभद्र तरीके से गाली उन्होंने दी के सबको मारा। जी सर जी, बस क्या लग रहा था आपको कि ऐसा क्या ठीक है ये सब जिस तरीके? जी सर जी, ये सर जी गलत है, ये बिल्कुल गलत है भाई। आज कोई और था, कल कोई और करेंगे, और वो ये नहीं कि मान लो चलो भाई उसने कुछ किया है तो उसको कंप्लेंट करो उसके बारे में। अब तुम उसको इतनी बुरी तरीके से मार रही हो, गाली गलौज कर रही हो, ये सब गलत है सर जी। जी सर जी, नाम क्या है? जी मेरा नाम गुरमीत है।